इंडियन मार्केट जिसे 1864 में पंजाब एग्जीबिशन ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्री के लिए एक नुमाइशी हाल के तौर पर बनाया गया था। बंगले के डिजाइन पर बनाई गई खूबसूरत इमारत जिसमें लकड़ी के बरामदे, ढलवानी छत और खिड़कियां हैं, जिन्हें खास तौर पर कुदरती रोशनी अंदर दाखिल होने के लिए डिजाइन किया गया था। इमारत का डिजाइन कैप्टन फ्रांसिस फॉक्स, एक बरतानवी इंजीनियर ने बनाया और ये ब्रिटिश बंगलों की तर्ज का डिजाइन है। '2004 और 2005 के दौरान इमारत को बहाल करके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दे दिया गया और बाद में लाहौर सिटी ऑफ हेरिटेज का दर्जा देकर लाहौर म्यूजियम के सपोर्ट कर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर रॉबर्ट मिंटगोमरी ने इस इमारत में आर्ट्स एंड इंडस्ट्री की नुमाइश का इफ्तिताह किया। इसे खास तौर पर मुकामी लोगों के फनून और दस्तकारी की नुमाइश के लिए डिजाइन किया गया था। एग्जीबिशन कमेटी ने मुनासिब इनामात का ऐलान किया, जिसके लिए उन्होंने 4 सुमरों का इंतखाब किया, यानी खाम पैदावार, मैनुफैक्चरर्स, मशीनरी और फनून लतीफा। इस नुमाइश में पूरे सूबे और बाकी हिंदुस्तान से तैयार करदा सामान और दस्तकारी नुमाइश के लिए रखी गई थी, जिसमें जेवरात, कपड़े, शॉलें, कालीन, मुख्तलिफ किस्म के आलात, चमड़े से बनी अशिया, कीमती पत्थरों समेत नुमाइश में मख्तूतात, आर्ट वर्क, खताती और किताबें शामिल थी। ये नुमाइश जनवरी से अप्रैल तक जारी रही और इसकी कामयाबी को देख कर हुकूमत बरतानिया ने इसे मुस्तकिल करने का फैसला किया और इस टोलिंटन मार्केट में लाहौर का पहला अजायब घर वजूद में आया। सर गंगा राम ने इमारत को दोबारा से बनाया और अनारकली से कुर्बत और निस्बत की वजह से इसका नाम एचपी टोलिंटन सेक्रेटरी पंजाब हुकूमत से बदल कर टोलिंटन मार्केट रख दिया। '2004 और 2005 के दौरान इमारत को बहाल करके नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स को दे दिया गया और बाद में लाहौर सिटी ऑफ हेरिटेज का दर्जा देकर लाहौर म्यूजियम के सपोर्ट कर दिया।